संतान की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस बार सप्तमी तिथि का आरंभ 21 सितंबर 2023 गुरुवार को दोपहर 2:15 से हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 1:36 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो सप्तमी रहेगी वह 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी का व्रत रखना है, 7 मालपुए भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पण करना है तथा चांदी का कड़ा या धागे का गंडा बना करके अपनी भुजा पर आपको इसी दिन धारण करना है। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संतान सप्तमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनको तथा आपको सभी को इसका पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आपकी संतान लंबी आयु वाली हो, उनकी उन्नति तथा प्रगति सदैव होती रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रतिवर्ष संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस बार वर्ष 2023 में सप्तमी तिथि का आरंभ 21 सितंबर 2023 गुरुवार को दोपहर 2:15 से हो जाएगा, जो कि 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 1:36 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी उदिया तिथि के अनुसार जो सप्तमी तिथि होगी वो 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे संतान साते या मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही यह व्रत रखा जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति और प्रगति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विशेष विधान होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और इस व्रत में विशेष रूप से 7 गठान वाला धागा या किसी धातु का गंडा बना करके उसको अपनी भुजा पर धारण किया जाता है। 7 मालपुए बनाए जाते हैं। बाकी सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया जाता है। अपनी संतान के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातः काल में स्नान और नित्य कर्म से क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रातः काल में श्रीहरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। निराहार व्रत रह करके दोपहर को चोक पूर करके चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान शिव जी की पूजा आरती करना चाहिए। 7 गठानों वाला गंडा या धातु का कड़ा धूप दीप से अभिमंत्रित करके भगवान को समर्पित किया जाता है तथा 7 मालपुए बना करके उनको केले के पत्ते में बांध करके एक धागे से ऊपर से लपेट करके और भगवान को अर्पण किए जाते हैं। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर पूड़ी भी आप बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के 7 मालपुए इसमें विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पण किया जाता है। बाद में इसे स्वयं धारण करके इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। संतान सप्तमी के दिन आपको जो है एक समय भोजन कर सकते हैं या निराहार निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं या फिर फलाहार करके भी आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसा आप अपनी आस्था और परंपरा या श्रद्धा के अनुसार करना चाहें वैसा आप जरूर करें, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ ही आपको संतान सप्तमी का व्रत धारण करना चाहिए।
संतान सप्तमी का व्रत करने से आपको मनवांछित पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। और यदि आपकी संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार में उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, या किसी कारणवश आपकी संतान की उन्नति और प्रगति नहीं हो पा रही है, उनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो आपको उनकी उन्नति प्रगति के लिए, उनके भाग्योदय के लिए संतान सप्तमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन इसकी कथा भी जरूर सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। संतान सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि का आगमन हुआ और मेरे माता पिता देवकी एवं वसुदेव जी ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बता करके व्रत कथा भी उन्हें सुनाई। लोमस ऋषि कहते हैं कि नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा बना करके विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन कर रही थी। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि यह व्रत संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत का नाम संतान सप्तमी व्रत है। इसे संतान साते व्रत भी कहा जाता है। उस व्रत की बात को सुनकर के उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प उसी समय धारण कर लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को भूल गई। इसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़ करके पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुला करके सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए हैं? भूषणा ने उसे पुनर्जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी हो। यह सब सुनकर के रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी संतान साते का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की धूप दीप नैवेद्य पुष्प और सुगंधित पदार्थों से पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव जी की आरती भी इसमें करनी चाहिए। एक समय फलाहार करके या एक समय भोजन करके इस व्रत को आपको पालन करना चाहिए।
बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप संतान सप्तमी के निमित्त कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, मालपुआ दान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप संतान सप्तमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।